गोली है जो कैल्शियम की दवाई है। तो फीडिंग गाउन जो है वो ऐसा है, ये एकदम सॉफ्ट है स्कार्फ, तो ये हेड पे कवर करने के लिए होगा, जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने न्यू मॉम का मंगाया हुआ है अमेजोन से। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग, एंड होप आपको जो हमारा प्रीवियस ब्लॉग व्लॉग था बेबी शावर का, वो बहुत अच्छा लगा हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा हमने इन्जॉय किया था। तो जैसे कि मैं आपको पता ही है कि मैं मतलब जो मेरा अभी प्रेगनेंसी का जो मंथ स्टार्ट हुआ है वो अभी 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो हॉस्पिटल बैग जो है वो पैक करने का टाइम आ गया है, मैं कभी भी लेबर पेन में जा सकती हूँ। सो डॉक्टर ने तो कह दिया है कि अभी कभी भी मतलब डिलीवरी हो सकती है। तो इसके लिए मैं अभी जो है हॉस्पिटल बैग जो है रेडी करने जा रही हूँ, ताकि एंड मोमेंट पे कुछ रश ना हो जाए, कुछ मैं मिस ना कर दूँ। तो जो हॉस्पिटल से मुझे चेकलिस्ट मिली है और जो बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि ये चीज़ें रखनी चाहिए, ताकि मैं एंड टाइम पे अगर मैं एडमिट हूँ तो मतलब रजत को प्रॉब्लम ना हो या फिर फैमिली को कोई दिक्कत ना हो कुछ चीज़ें ढूंढने में, तो मैं अभी से सब कुछ रेडी कर रही हूँ। तो चलिए फिर देखते कि मैं अभी क्या क्या रखने वाली हूँ हॉस्पिटल बैग में। तो फर्स्ट जो होगा, मैं जो अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, जो मेरे हॉस्पिटल बैग में होना चाहिए, वो है डॉक्यूमेंट्स। तो अब तक के जो भी मेरे रिपोर्ट्स है, जो भी मतलब सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स है, तो वो मैं अपने साथ लेके जाऊँगी, ताकि जब वहाँ पे डॉक्टर जब मेरा मतलब चेकअप कर रहे हो या उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो कि मेरी जो पास की रिपोर्ट्स थी वो कैसी थी। एंड सेकेंड, मैं लेके जा रही हूँ मेरे साथ मेडिसिंस, जो मेरी मेडिसिंस है जो मुझे डॉक्टर ने बोली है, जो कैल्शियम की दवाई है, फॉलिक एसिड है, देन मेरी शुगर की मेडिसिन है। हाँ, मुझे बीच में शुगर हो गया था, मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया हुआ था। तो ये मेडिसिन मैं कैरी करने वाली हूँ अपने साथ, ताकि मैं डॉक्टर को मतलब डॉक्टर अगर मुझसे पूछे या फिर मैं वो टाइम पे उस हालत में ना हूँ बोलने के, तो रजत उन्हें बता सके कि मैं क्या क्या मेडिसिन्स मतलब लेती थी, कैरी करती थी। थर्ड जो होगा मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है फीडिंग गाउन। तो फीडिंग गाउन जो है वो ऐसा है, बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है, ये मिनी गाउन जैसा है। तो ये फ्रंट से ओपन होता है, जिससे मुझे फीड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो ये ऐसे ज़िप ओपन हो जाएगा, फ्रंट में है। तो ऐसे मैंने दो गाउन रखे हुए हैं, और मैं एक गाउन और कैरी करूँगी जब मैं हॉस्पिटल से घर आऊँगी। तो वहाँ से आने के लिए मुझे कंफर्टेबल एक गाउन चाहिए रहेगा, तो मैं वो भी कैरी करने वाली हूँ। तो मुझे नहीं पता सी सेक्शन है या नॉर्मल, बट जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूँ वही मैं कैरी कर रही हूँ। तो यस, ये फीडिंग गाउन जो है वो मैं कैरी करूँगी। फोर्थ है स्कार्फ, ये एकदम सॉफ्ट है स्कार्फ, तो ये हेड पे कवर करने के लिए होगा। क्यों ये स्कार्फ मैं कैरी कर रही हूँ, एक और मैं कैरी करूँगी इसे, क्योंकि हो सकता है अभी का जो क्लाइमेट चल रहा है वो मानसून का है, तो हो सकता है मे बी मुझे ठंड लग सकती है, मेरे वजह से अगर मैं फीड कर रही हूँ और बेबी को ठंड लग सकती है। तो ये बोलते हैं कि मोस्टली जो है डिलीवरी के बाद ठंड लगती है, तो वो पूरा कवर करते हैं हेड, तो जिससे मुझे तकलीफ़ ना हो। तो ये मैं स्कार्फ कैरी करूँगी, बहुत ही सॉफ्ट है, मेरी फ्रेंड ने मुझे जो है गिफ्ट दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कश्मीरी पूरा वर्क है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। मैंने थोड़ा यूज़ किया है इसे, मतलब एक दिन मैंने यूज़ किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मुझे वो टाइम पे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं कॉटन्स भी कैरी करूँगी, क्योंकि अगर मुझे इसमें कंफर्टेबल वो टाइम पे नहीं हुआ तो मैं कॉटन भी यूज़ कर सकती हूँ। वो नेक्स्ट जो है वो मैटरनिटी पैड है, जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने न्यू मॉम का मंगाया हुआ है अमेजोन से। तो इसका जो है वो आपको 5 पैक मिल जाता है, सॉरी 4 पैक मिलता है, एक पैक में जो है 5 पैड्स होते हैं। तो ये एक्चुअली एक डिस्पोजिबल मतलब डिस्पोजिबल पैंटी जैसा है, समझ लीजिए, मैं से पैड भी नहीं बोलूँगी, डिस्पोजिबल पैंटी जैसा है, तो यूज़ एंड थ्रो है। एंड इस ये मैंने बहुत रिसर्च करके लिया है एक्चुअली, मैंने वीडियोस देखे, काफ़ी लोगों ने मुझे ये सजेस्ट भी किया है।
तो मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि मतलब कैसा है, क्योंकि मैंने अभी तक इसे ओपन नहीं किया था, सिर्फ मैंने अमेज़न का जो पैक था वही ओपन किया था। तो इसमें यस इसमें 5 पैक है, और ये आप देखिए ये प्रॉपर एकदम पैंटी जैसा ही है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा कुछ है। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, ये जो मैंने देखा हुआ है, तो इसमें मतलब जितने मतलब रिव्यूज़ आए और जितने कमेंट्स थे, तो मोस्टली उसमें ऐसा था कि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, लाइक आपको बार बार इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली यूज़ एंड थ्रो है, तो वो टाइम पे ये सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि काम आने वाला है। और ये मैंने जो साइज़ मंगाया हुआ है वो डबल एक्सेल साइज़ है, तो इसमें आपको सारे साइज़ अवेलेबल रहेंगे, तो आप अकॉर्डिंगली अपने साइज़ के हिसाब से मंगा सकते हैं, जिसमें जो आपका साइज़ का होगा कंफर्टेबल होगा। तो मैंने मेरे साइज़ से एक साइज़ थोड़ा बड़ा मंगाया हुआ है, क्योंकि वो टाइम पे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, मैं कंफर्टेबल रहूँ, और जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने हर जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा मैं एक साइज़ बड़ा रख रही हूँ, ताकि मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो वो टाइम पे, चाहे वो नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, तो आप दोनों टाइम मतलब दोनों ही कंडीशन में आप ये पैड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो टाइम पे हम नॉर्मल पैड नहीं यूज़ कर सकते, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है, तो स्पेशली इसी के लिए जो है मैटरनिटी पैड्स होते हैं। तो ये और दूसरा मुझे जो सजेस्ट और मतलब मुझे जो और अच्छा लगा, मैंने ये मंगाया हुआ है प्रोडक्ट, जो कि एबेने का है, ये भी मैंने सेम अमेज़ोन से ही परचेस किया है, इसे भी मैंने ओपन नहीं किया है, तो मैं इसे भी ओपन करके देखती हूँ कि ये कैसा है। तो चलिए ओपन करते हैं, तो ये इजीली ओपन हो गया। तो इसमें भी जो है 14 पीसेज है, तो मैं जो है ज़्यादा नहीं रखूँगी इसमें से मैं हार्डली 4-5 ही रखने वाली हूँ। तो गाइज आप देखिए कि कितना बड़ा पैड है, मतलब नॉर्मल पैड से बहुत ही बड़ा है, और बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल होगा यूज़ करने के लिए। तो ये है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड जो है अब्जॉर्ब कर लेगा, वो टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें लीकेज की प्रॉब्लम होगी, तो मैं ये भी कैरी करूँगी, और मैं ये दोनों कैरी करने वाली हूँ। मैं ये एक पैक ही कैरी करूँगी, और इसका मैं देखती हूँ मैं कितने ये कैरी करने वाली हूँ, तो ये भी मैं कैरी करने वाली हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और कम्फर्टेबल है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब इसका रिव्यू है, और मेरी तरफ से भी इसको मतलब 5 स्टार ही होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो ये भी मैंने अमेज़ोन से ही परचेस किया है, तो ये आप एक यूज़ कर सकते हैं। देन ये लोशन है जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, तो ये मैं कैरी करूँगी, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, स्मेल भी बहुत इसकी अच्छी है। लिप बाम कैरी कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है वो टाइम पर मेरे लिप्स थोड़े ड्राई हो जाए, अभी जो है वैसे मेरे लिप्स ड्राई नहीं होते, बट थोड़ा ये मंथ से जो है मेरे लिप्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने लगे लास्ट मंथ में, तो मैं ये कैरी कर रही हूँ। और हेयर बैंड्स और कुछ क्लिप्स, ये सब मैं जो है टॉयलेट्रीज वो साथ में रखूँगी। और नेक्स्ट जो है एक सॉफ्ट मतलब टॉवल, ये मैं कैरी करने वाली हूँ, जिसे मैं अच्छे से यूज़ कर सकूँ। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी, बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि ये मुझे अपने साथ रखना चाहिए, तो ये भी चेकलिस्ट में था, पहले मैंने सोचा कि नहीं रखूँगी, बट हाँ बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे रखना चाहिए। तो ये लव लैब का जो है फ्री ब्रेस्ट पैड्स है, जो कि डिस्पोजेबल है, मार्केट में यूज़ एंड थ्रो भी अवेलेबल है, बट मैं नहीं लूँगी, क्योंकि हो सकता है शायद वो बेबी के लिए अच्छा ना हो, तो मैं ये यूज़ एंड थ्रो वाला ही कैरी करूँगी। इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो पैकेजिंग है वो ऐसा है कुछ, तो ये जैसे नॉर्मल जैसे हमारे पैड्स होते हैं वैसा ही है ये, जस्ट आपको ये टियर करके यहाँ से आप स्टिक निकाल सकते हैं, और जो आपका ब्रा होगा उसके एक साइड आप ये जहाँ पे स्टिकी पार्ट होगा वो आप चिपका सकते हैं, एंड देन आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और जैसे आपको लगे तो उसके बाद आप इसे थ्रो भी कर सकते हैं, अगर वो इतना ज़्यादा मतलब नहीं यूज़ हुआ तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसे डिस्पोज कर सकते हैं। ये इसके वजह से ये यूज़ होता है, क्योंकि
जब हम फीड करते, जो हमारा फर्स्ट मिल्क जब होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लो हो जाता है, एंड प्रॉपरली अगर बेबी फीड नहीं कर पा रहा है तो कपड़ों पे दाग रह जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, और इस मतलब इसका काफ़ी अच्छा रिव्यू है। तो ये मतलब 3D स्ट्रेच एज है, कॉटनी सॉफ्ट है, ब्रीथेबल एंड वाटरप्रूफ है, तो ये ऐसा नहीं कि गीला हो जाएगा। देन डबल एडहेसिव टेप है, जिससे आप रिमूव करके इजीली स्टिक कर सकते हैं अपने ब्रा पे। तो ये है, और तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ये आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जो मैं जो पैंटीज़ है वो मैं पैंटीज़ नया नहीं ख़रीद रही हूँ, कि जो मतलब बहुत लोगों ने सब मुझे सजेस्ट किया कि आप ले सकते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी मतलब मैंने यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोज़ देखे, बट मैं यूज़र मतलब जो मेरा वो टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा पैंटी का, मतलब कि इनकेस अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता तो मुझे फेंकना पड़ेगा, तो मैंने न्यू नहीं परचेस किया। जो मेरे ओल्ड पैंटीज़ है मैं वही रख रही हूँ, ताकि अगर वो ख़राब भी हो जाए तो मैं उसे फेंक सकूँ। और मैटरनिटी ब्रा जो है वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, बट अमेज़ोन पे कुछ मेरे एड्रेस का इशू हो गया था, तो इस वजह से प्रोडक्ट काफ़ी डिले हो गया है, बट वो भी कल या परसों तक आ जाएगा, तो वो भी मैं कैरी करने वाली हूँ। वो काफ़ी अच्छा होता है एट द टाइम ऑफ फीडिंग, तो वो मैं कैरी करने वाली हूँ, जिससे मुझे फीड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। मैं हर वक्त पूरा ओपन करके फीड नहीं कर सकती, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा अगर वो मैं यूज़ करती हूँ। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने साथ कैरी करने वाली हूँ, और होप अगर मैंने मतलब कि कुछ मेरे से मिस हो गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि हाँ मुझसे ये प्रोडक्ट जो है वो मिस हो गया है, मुझे ये कैरी करना चाहिए। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे नहीं पता कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या क्या रखनी चाहिए। जो भी चीज़ें मुझे हॉस्पिटल से या मेरे कुछ फ्रेंड्स है या जो मेरे वेल विशर्स है, उन्होंने जो मुझे बताया है मैंने उस हिसाब से रखे है मेरे साथ। तो अगर कुछ मुझसे मिस हो गया तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड तो गाइज आप अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो होप सो जब तक आपको नेक्स्ट व्लॉग मेरा मिले, मीन्स बेबी के हॉस्पिटल बैकपैक के बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आपको मिला है, मेरा और रजत का जो व्लॉग होगा वो शायद हमारे बेबी का होगा, जिसमें बेबी की डिलीवरी हो चुकी होगी, तो वो आपको व्लॉग मिलेगा। तो प्लीज़ आपका प्यार एंड सपोर्ट जो है ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।